के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज से जुड़ी हुई है। बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। वो कह रहे हैं हिंदू माताओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये सलाह एक तरीके से वो हिंदू माताओं को दे रहे हैं। प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं हर हिंदू 4 बच्चे पैदा करें। प्रेमानंद महाराज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिगर मेंटेन करना छोड़ें हिंदू औरतें। वो कह रहे हैं कि हिंदू औरतें अपने फिगर के चक्कर में ज्यादा बच्चे नहीं करती हैं, 2 बच्चे आप रख लो और 2 हम पाल लेंगे, ये प्रेमानंद महाराज का कहना है। हिंदू माताओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रहे हैं प्रेमानंद महाराज। फिगर मेंटेन करने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 बच्चे आप रख लो, 2 बच्चे हम पाल लेंगे, हिंदुस्तान बनाना है तो 4 बच्चे पैदा जरूर करने चाहिए। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर हैं स्वामी प्रेमानंद महाराज। भगवान कपिल के पुराने जमाने में एक एक आदमी के कितने पुत्र होते थे, भागवत में लिखा है 60,000। और अब एक ज्यादा से ज्यादा 2, परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए, कम से कम। आज उत्तर प्रदेश हमारा चला गया, आधा उत्तर प्रदेश चला गया। उत्तर प्रदेश के 17 जिले नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर हिंदू धर्म के नहीं रहे। आधा बंगाल, असम में 5,00,000 जिनके पास कोई पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है, और वहां हो रहे हैं 8-8, 10-10, और हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, देखो हमारे पास ज्यादा जगह तो नहीं है, पर अगर 2 का टारगेट हो और कोई टीम कर रही है तो हमको दे दो। महामंडलेश्वर पंचायती अखाड़ा के स्वामी प्रेमानंद महाराज, जिनकी तरफ से कहा गया है कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो फिर हर हिंदू माता को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा 25 साल पहले ये लोग 2 करोड़ थे, यानी कि उन्होंने दूसरी कम्युनिटी का जिक्र किया। उन्होंने कहा फिर ये 9 करोड़ हो गए, अब हो गए हैं 38 करोड़। वो कह रहे हैं अभी भी समय है कि समझ जाइए, नहीं तो हिंदुस्तान इंडोनेशिया हो जाएगा, आपकी गिनती भी अल्पसंख्यकों में होने लगेगी। ये चिंता है यहाँ पर महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज की, जिसको लेकर उन्होंने हिंदू माताओं को ये बड़ा संदेश दिया, कहने फिगर मेंटेन मत करो। डॉक्टर एच एस रावत मेरे साथ में जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। शुएब सिद्दीकी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप दोनों का ही स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर एच एस रावत, मेरा सवाल आपसे होगा, प्रेमानंद महाराज की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? रचना जी, देखिए आप तो बड़ी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और हम धर्म का पक्ष रखते हैं, प्रेमानंद जी महाराज की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जो उन्होंने शब्द कहे हैं उनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता, कारण यह है कि इजराइल की आबादी 80 लाख के आसपास है, सिर्फ 1 करोड़ भी पूरी नहीं है, लेकिन वो 300 करोड़ अक में दम करके रखता है और विजेता होता है। हिंदू 2 बच्चे करें लेकिन वो पांडवों की तरह पैदा करें, उनको ट्रेनिंग और उनको जो सुख सुविधाएं हैं और जो उनको ट्रेनिंग है वो सब पांडवों जैसी होनी चाहिए। गौरव सूत्र और उनके साथ सेना भी बहुत थी, लेकिन ये बात कहना कि माताएं फिगर के चक्कर में आ रही हैं, मुझे लगता है शायद ये अशोभनीय बातें हैं और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, देश के हित में नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो आपको घर घर में जाकर के घूमना चाहिए, अलख निरंजन आपको बजाना चाहिए, आप महामंडलेश्वर आपका अधिकार है, गली गली में घूमे जाकर के, मंचों से सिर्फ प्रवचन ना करके आप जाकर के सबको बताएं कि भैया ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है और हमारी स्थिति ये हो गई है। आज से अगर 1000 वर्ष पहले देखें तो पूरा अखंड भारत था, सारा हिंदू हिंदू था, उससे पहले देखें सारा हिंदू हिंदू था पूरा, तो उस समय क्या हुआ? हमें अपने आप को बचाव करने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों चीजों की आवश्यकता है। प्रेमानंद जी महाराज, इस चीज की आवश्यकता है आज हमें,
कि हम अपनी आर्मी को अच्छी ट्रेनिंग दें, हम अपने हिंदू बच्चों को और बच्चियों को अच्छी ट्रेनिंग दे पाएं, कि देखिए एक तरफ दूसरे लोग हैं कि हमें कहीं ना कहीं असंतुलित करने पर तुले हुए हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं और वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए महिलाओं के ऊपर बोल देना कि भाई फिगर की बात आती है तो मुझे लगता है थोड़ी अशोभनीय है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप इस राय से या फिर इस नसीहत से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। शुएब सिद्दीकी साहब, यहाँ जो महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज हैं, उन्होंने सीधे सीधे आबादी पर सवाल कर दिया। वो कह रहे हैं 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर ये 9 करोड़ हो गए, फिर हो गए 38 करोड़। सीधा उनका कहना यह है कि मुस्लिम समुदाय में बच्चे बेतहाशा पैदा हो रहे हैं, हिंदुओं ने कम बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए हैं, इसलिए आबादी यहाँ हिंदुओं की कम और मुस्लिमों की ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। और वो कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान भी इंडोनेशिया हो जाएगा। आप भी सोचते हैं ऐसा है क्या? और क्या मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा बच्चे किसी सोच के पीछे पैदा कर रही है? शुएब सिद्दीकी, पहले अनम्यूट कर लें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई आवाज आई मेरी? जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज, बोलिए। जी जी, देखिए मैडम, आपका जो डिबेट है वो मुस्लिम समुदाय के ऊपर टारगेट पर नहीं है, क्योंकि हिंदू मार्ग ने ऐसी बात कर दी है। आप देखिए, मुसलमान हमेशा बदनाम रहता है कि बच्चे ज्यादा पैदा करता है। मैंने इस पे डिबेट है, 10 साल से मैं डिबेट देता आ रहा हूँ। मैंने कहा हिंदू अगर आप मुसलमान को कहते हैं बच्चे ज्यादा पैदा करता है, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री साहब के बच्चे देख लिए, उनके 9 बच्चे थे। लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी 9 औलादें थी। तो ये इल्जाम एक मुसलमान पे लगाना कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, ऐसी बात, वो दौर था जब लोग पढ़े लिखे कम थे, हर समुदाय में तो उनका एक ही काम था, औलादे ज्यादा पैदा करिए और वगैरह वगैरह। अब देखिए महान जी ने जो बात है, देखिए अगर आप कहें एक लाइन में इसमें ऐड कर दूं, जो आपने अभी कहा कि आपने जिन जिन बड़े चेहरों का जिक्र किया कि इतने बच्चे थे या फिर इतने भाई बहन थे, अब अगर मैं कहूं कि मेरे दादा दादी या नाना नानी भी ज्यादा संख्या में भाई बहन थे, और फिर जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ी वैसे वैसे वो संख्या जो है वो लिमिटेड हो गई। पहले बहुत सी चीजों को लेकर लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन आज अवेयर हैं। पता है कि महंगाई का जमाना है, ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकती, इसीलिए एक या मैक्सिमम 2 बच्चे मैक्सिमम फैमिलीज में। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदुओं के 4 बच्चे नहीं है, HS रावत जी के भी हैं, पर्सनली मत लीजिएगा HS रावत जी, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था, लेकिन वो सुधार इधर नहीं दिखता, यहाँ अभी भी ज्यादा बच्चे हैं। ये सवाल इसलिए है सिर्फ। ये आप बिल्कुल सही कह रही, मैंने इसीलिए कहा कि मुसलमान पे इल्जाम ना लगाएं। अभी आप देखिए 10-20 साल में जो भी समुदाय के लोग हैं वो सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं या 1 कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परवरिश को देखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई देखना है। जितनी हुकूमतें हैं, चाहे क्या मुस्लिम कम्युनिटी में हर वर्ग के लोग ऐसा सोच रहे हैं? जी जी, वही मैं बात देखिए, मुकम्मल कर लो, घर आप बीच में लुकमा दे देगी तो मुकम्मल नहीं पाएगी बात। जैसे कि आप देखिए सेंट्रल हुकूमत और स्टेट की हुकूमतें हैं, ये ना मेडिकल पर ध्यान देती है ना पढ़ाई ध्यान देती है। प्राइवेट स्कूल देखिए लाखों रुपए फीस दे रहे हैं, जो लड़का काबिल है गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये मामला दूसरा है। हाँ भाई, जब महंत की बात पहले आ जाइए कि महंत ने जो बात कही, आप देखिए मैडम बहुत गहरी बात देखिए आप, कि दुनिया का ये वाहिद मुल्क ऐसा है हिंदुस्तान जहाँ पे औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है। अब आप देखिए उन्होंने कितने ऐसे अल्फाज बोले हैं कि शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी वालदा है, मेरी भी बेटी है, और उन्होंने ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जो भी भाई साहब ने 2 बार जुमले को इस्तेमाल किया, मैं दर्रा दर्रा हो गया कि मान जी ने ऐसी बात कैसे कर दी हिंदुस्तान की औरतों को जहां देवी का दर्जा दिया गया है। मेरी गुजारिश है इस मुल्क को आप गंगा जमुनी तहजीब मिलाए रहेंगे, आप हिंदू मुस्लिम करके हिंदू और मुसलमान को अलग मत करिए। हिंदू भी समझदार है, मुसलमान भी समझदार है, ईसाई भी समझदार है कि उसको 2 बच्चे ही सिर्फ रखना है, क्योंकि उनकी परवरिश हमें करनी है। महान जी ये कहते हैं, कम से कम के लिए बात सोचा पड़ता कि मेरी भी वालदा है, मेरी बहन है, जो ना जिस तरह के नाम दिए, मैं आपके चैनल से नहीं कर सकता हूँ, चूंकि आपका नेशनल चैनल है, मेरे मुंह से वो जुमला निकलेगा तो मैं समझता हूँ मैं गुनहगार हो जाऊंगा। अब जहां तक आप देखिए मुसलमान की बात आप कह रही है, अब आप देखिए मुसलमान हूँ मैं भी, अब लोग पढ़ लिखे हैं, मेरे 2 औलादे हैं, देखिए एक बेटा है मोहम्मद अहमद, बेटी है फातिमा ज़हरा, बस अल्लाह करम है मुकम्मल हो गया, मुझे सिर्फ हिंदुस्तान में मुस्तकबिल निकला। हमारे प्रधानमंत्री जहां पर इस हिंदुस्तान को आप देखिए इंडिया और भारत की लड़ाई चल रही है कि वो इंडिया हट के भारत कहा जाएगा, वहीं मोहन जी ने इसको हिंदुस्तान दे दिया। कुछ हिंदू कहते हैं कि हिंदुस्तान मुगलों को दिया, तो मोहन जी ने हिंदुस्तान को बढ़ाना है आगे, इस तरह चीजें कुछ नहीं होगा। देखिए आप 2 बच्चे बहुत है मैक्सिमम, लेकिन इस तरह की मैं मान जी से गुजारिश करूंगा, किसी आम हिंदुस्तानी बात कही होती तो मैं डिबेट बहुत लंबी ले जाता, लेकिन वो चुकी इतने मोदी। शुएब सिद्दीकी साहब, ये आपके लिए समझना इसलिए इजी भी हो गया ना, आप पढ़े लिखे
आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ गए कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, बेहतर तालीम देनी है और उन्हें कामयाब और लायक बनाना है, आपने ये बात समझ ली। लेकिन मैं इससे पहले भी पूछ रही थी, हालांकि ये जो स्वामी प्रेमानंद महाराज ने बात कह दी है, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखती, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। और साथ ही साथ HS रावत जी ने भी शुरुआत में कह दिया कि वो भी इस राय या नसीहत से सहमत नहीं है। साथ ही मैंने कहा पिछली जनरेशन में ज्यादा बच्चे पैदा होते थे, आज की जनरेशन में लोग समझ गए हैं, महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसीलिए लोग लिमिटेड अपनी फैमिली को रखते हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मुस्लिम कम्युनिटी में हर वर्ग के लोग अवेयर हैं कि ज्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी में हमेशा एक थोड़ी दिक्कत ये रही कि उनका इल्म की कमी रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ हालात दो चार रहे, कुछ हुकूमतें अगेंस्ट रही, हाँ। तो वो पढ़ाई लिखाई में तोज्जो नहीं दे। लेकिन अब इधर 10-12 साल से मैडम आप देखिए, आप नेशनल चैनल के एंकर हैं, तो अब मुसलमान जो है एक वक्त रोटी खा रहा है लेकिन हाँ। बच्चों को अच्छी सी तालीम दे रहा है। तो अगर आप इंतखाब करें, जैसे मैं समझता हूँ लखनऊ राजधानी में अगर इंतखाब करें, दो ही चार घर आपको मिलेंगे जहाँ दो चार बच्चे एक वालिद साहब के होंगे, वरना दो बच्चे एक बच्चे बहुत हैं। अब जहाँ पर ये बात, जी जी बताइए, अब यहाँ पे ये बात देखिए आई है, तो अब वो ऐसा नहीं कर रहे। अब देखिए, मुस्लिम नहीं, हर समुदाय में जो गरीब तबका है, जो गरीब तबका है उसको दुनिया की उससे मतलब नहीं है। वो चाहे चार बच्चे हो रहे हैं, पांच बच्चे हो रहे, उससे मतलब नहीं है। कोई पन्नी बीन रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई मूंग भी लगा रहा है, एकदम ठीक बात। सहमत हूँ मैं आपकी बात से, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। जहाँ शिक्षा की कमी है, जहाँ समझ की कमी है, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, वहाँ आज भी एक या दो से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम मुस्लिम आबादी पर बात कर रहे हैं, हम स्वामी प्रेमानंद महाराज के इस बयान पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ दो पैनलिस्ट हैं, एक हिंदू धर्म गुरु है, एक इस्लामिक स्कॉलर है, लेकिन जो इस्लामिक स्कॉलर है उनके दो बच्चे हैं और यहाँ जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनके चार बच्चे हैं। खैर, मैं वापस से HS रावत जी का रुख कर लेती हूँ। HS रावत जी, अगर जैसा ये बयान प्रेमानंद महाराज ने दिया है, अगर कुछ ऐसा बयान किसी मुस्लिम धर्म गुरु ने दे दिया होता तो अब तक तो बवाल मच जाता। नहीं रचना जी, मुस्लिम धर्म गुरु तो देते ही रहते हैं, वो तो उनके, और हम उन बवालों पर डिबेट करते भी हैं। लेकिन यहाँ फिगर मेंटेन करने की बात एक महाराज ने कर दी है, महामंडलेश्वर है प्रेमानंद महाराज, जहाँ औरतों के फिगर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महिलाएं हैं जो, हिंदू माताएं जो हैं, वो अपने फिगर को मेंटेन रखने पर ध्यान ना दे, वो चार बच्चे पैदा करें। अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी मुस्लिम धर्म गुरु ने किया होता, अब तक हम उस पर डिबेट कर रहे होते, कई सवाल, कई कटाक्ष कर रहे होते, तंज कर रहे होते। आप भी कीजिए। नहीं, बिल्कुल इसमें रचना जी कोई दोहराया नहीं है। उनको प्रेमानंद जी महाराज को इस तरह से ना बोल के ये कहना चाहिए था, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, सारे अखाड़े जो हैं 13 अखाड़ों को मिलकर के एक दबाव बनाना चाहिए कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर क्या हो, जिससे कि हिंदू मुसलमान सबका एक रेशियो के हिसाब से बच्चे पैदा हों। ये तरीका ठीक नहीं है कि भाई हिंदू भी ज्यादा बच्चे पैदा करें तो देश कहीं गरीबी की रेखा के नीचे चला जाएगा। संसाधन तो एक लिमिट में है, खाना भी लिमिट में, पानी भी लिमिट में, तो हालात भुखमरी के हो जाएंगे। जैसे और कंट्रियों का उदाहरण दिया, उसी प्रकार के साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं वो भुखमरी के कगार पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे कंट्री दिवालिया हो जाते हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ, पहले जब बच्चे पैदा होते थे उनके उस समय लोगों को इसके रोकने का तरीका नहीं पता था, उपचार नहीं पता था, और बहुत सारे लोग महामारियों में मर जाया करते थे, लिमिटेड बच्चे बचा करते थे। उससे आज कंपेरिजन करना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि मुसलमानों के अंदर शरीयत को फॉलो करने वालों की संख्या 90% है। सभी तो सिद्दीकी से विद्वान लोग हैं नहीं, तो उसका सलूशन ये है ना HS रावत जी, उसका सलूशन ये है कि अवेयरनेस कैंप चलाए जाएं, सरकार की नजर रहे, ऐसे जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षा दी जाए, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें अवेयर किया जाए, उन्हें बताया जाए, मुस्लिम फैमिलीज में जो निचले तबके के लोग हैं वहां पहुंचा जाए, बजाय कि इसके कि वो बच्चे पैदा ज्यादा कर रहे हैं तो आप भी चार बच्चे पैदा करो। नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, ये कैंप लगाने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जब जिनको मदरसों में पढ़ाया जाता है, जिनको तालीम दी जाती है शरीयत की, तो फिर वो महिलाएं भी कहती है ठीक है जो अल्लाह की देन है, जितने हो जाएं, 18 हो जाएं, 20 हो जाएं, 15 हो जाएं, वो सब भगवान अल्लाह देगा। क्या वो बेचारा टोकरी ढूंढ रहा है लेके चल रहा है? अच्छा नहीं, 18, 20, 15 तो नहीं होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा है क्या शेख सिद्दीकी साहब? शेख सिद्दीकी साहब, जहाँ अवेयरनेस की कमी है वहाँ क्या 18-20 बच्चे होते हैं? देखिए, आज मैं मैडम माफी चाहना चाहूंगा, ये आधी लाइन में नहीं रहेगी, क्योंकि आज जुमे का है। जी 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 जी, आज जुमा है, मुझे नमाज के लिए भी जाना है,
तो मैं बता दूं, 18-20 ये तो एक जुमले बाजी होती है, 18-20 बच्चे। अरे मैंने आपको बताया हिंदुस्तान में जो शुएब सिद्दीकी बेहतर जानते होंगे मुस्लिम वर्ग को, उस कम्युनिटी को, वो बता रहे हैं कि 18-20 बच्चे आज की डेट में होते हैं नहीं होते हैं, बस सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। वही मैं कह रहा हूँ, सुन ली, चूंकि मुझे नमाज पढ़ने जाना है, जुमे का दिन भी है और मुझे फौरन नमाज पढ़ने जाना है, चूंकि आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं बैठ गया जुमे के दिन। बहरहाल देखिए होता क्या है, वो दौर खत्म हो गया, 18-20 ये जुमले बाती है, कहीं किसी के बच्चे अच्छे 18-20 नहीं होते हैं, 18-20 बच्चे रहेंगे तो 2000 रुपए की खाना होगा, आप ये कर नहीं पाएगा, ये सब कहने की बातें होती है। मेरी सिर्फ ये कहना है कि ये मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ने दीजिए और महान जी से मेरी गुजारिश है। एकदम सही बात, मुल्क तरक्की तभी करेगा जब हर वर्ग हर धर्म के लोग शिक्षित होंगे। एचएस रावत जी, मेरी गुजारिश है, मैं तो आखिरी बात कह दूं, मेरी गुजारिश है महान जी से, हाथ जोड़ के गुजारिश है आप चैनल के द्वारा, कम अज कम हिंदुस्तान की महिलाओं के बारे में इस तरह के जुमले ना करें। एकदम सही बात है, ऐसी शख्सियत करेगी, एकदम सही बात है, भाषा का ख्याल रखना चाहिए जब कोई धर्म गुरु है, मां मंडलेश्वर है। एच एस रावत जी 10-20 सेकंड में बस खत्म कीजिए, बोलिए आपको क्या कहना है। जी जी मेरी एच एस रावत जी, हाँ वक्त की कमी है, साहब कह रहे हैं कि ये तो जुमला है, जुमला नहीं है, हाँ। मेरे साथ चलिए, उनमें से 1-2 बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए हैं, 18 गिनवाऊंगा, जिनमें से 14 लड़के और 4 लड़कियां। अरे एचएस रावत जी, आपके साथ जो पढ़े हुए हैं उनकी जनरेशन पिछली हो गई है, आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, आप वाली जनरेशन में तो हिंदुओं में भी 8, 10 और 12 बच्चे होते थे, 8, 10 और 12 बच्चे होते थे आप वाली जनरेशन में भी, और पूरा पाकिस्तान तो भरा पड़ा है, जो कहते हैं तो अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, आप क्यों ना इंटी की बात कर रहे हैं भाई, आप दूसरे मुल्क की बात ना करिए, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं, चलिए ठीक है, हमें उन हिंदू फैमिलीज को भी देखना चाहिए जो गांव में हैं, जो अशिक्षित हैं, वहां भी 2 से ज्यादा बच्चे आज की डेट में हैं, और हमें ये भी देखना चाहिए अगर हम पिछली जनरेशन पहली की जनरेशन की बात करें तो वहां भी हिंदुओं के यहाँ 10 से 12 बच्चे होते थे जेन्युइनली, लेकिन आज अवेयरनेस की जरूरत है, आज इस समझ की जरूरत है कि बच्चे 1 या फिर मैक्सिमम 2 ही अच्छे हैं ताकि उनकी बेहतर परवरिश हो सके, जैसा भी शुएब सिद्दीकी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान तरक्की कर सके, सभी का कंट्रीब्यूशन इसमें जरूरी है। शुएब सिद्दीकी साहब, एचएस रावत जी बहुत शुक्रिया, और एचएस रावत जी अप्रिशिएट करूंगी, आपने मां मंडलेश्वर के बयान को क्रिटिसाइज किया बजाय की सपोर्ट करने के, आप दोनों का शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे।